हाय वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं बनाने लगा हूँ खकीना रेस्टोरेंट स्टाइल। हाउ टू मेक खकीना रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये सबसे पहले मैंने ये कटिंग ले रहा हूँ। ये पोटैटो को हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है, ऐसे ये इसको ऐसे तो इसके फ्रेंच फ्राइज टाइप हमने स्टाइल बना के। तो ये नाश्ते में तो बनती है, अक्सर लोग बड़े शौक से इसको खाते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो मेरे चैनल को भी फिर सब्सक्राइब कर लेना है, तो आगे शेयर करना है। तो ये रेसिपी जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की है, तो है भी बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो इसमें लिए क्या इंग्रेडिएंट्स, तो हमारे पास ये सिंपल से ही है। हमने इसमें लिया है पोटैटो, पोटैटो के साथ हम इसमें दो हमने अंडे डालने हैं, इसमें दो अंडों के साथ। अब ये देखें मैंने इस तरीके की कटिंग करनी है, ऐसे इस तरीके की, ये वाली ऐसे हमने इसकी कटिंग करते जाना है। ठीक हो गया, ये अब हमने ये जो ओनियन पड़ा है ओनियन को भी हम ऐसे काट देते हैं। ठीक हो गया, हम इस ओनियन की कटिंग जो होती है सेम हमें इसकी वैसे ही करनी है। हम इसको करके ये देखिए ये अभी वैसा ही बन गया है, और इसको भी मैंने ऐसा ही करना है। उसके बाद हम इसको करने के लिए इसके साथ मिला के ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारी कटिंग हो गया, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रहा हूँ इसमें मुझे क्या क्या चाहिए। ये मेरे पास है साल्ट, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, और ये सब धनिया, और इसमें ये है ओनियन, टाटो, और हमारे पास दो जो हैं एग है, जिंजर, ओनियन। अब हमने इनको बनाना है, और ये बड़ी मज़े की और टेस्टी रेसिपी है, और मुझे यकीन है कि ये आप लोग अक्सर घरों में ये शौक़ से खाते भी हैं। बहुत सारे घरों में ये शौक़ से लोग बनाते हैं, तो आप लोगों ने किस तरीके से ट्राई करना है तो फिर मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी लगी है। ब्रेकफास्ट में आम घरों में पोटैटो भी एग भी यूज़ होता है, तो अगर आप इसको रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे तो क्या ही बात है, तो खाने का मज़ा भी आएगा। ब्रेकफास्ट का मज़ा तभी आता है, अंडा हो, ओनियन हो, पोटैटो हो, क्या बात है इसके अंदर, ये तो खाने का मज़ा है। ये जो हमारी इन्ग्रीडियंट्स, अब हम इनको यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमने अभी क्या करना है, हमें एक चाहिए फ्राई पैन। हम इसके लिए लेंगे फ्राई पैन, यहाँ पे हम फ्राई पैन रख लेते हैं। ये अब हम इसमें डालते हैं ऑयल, ये देखिए इसमें 3 टेबलस्पून आपने ऑयल डाल देना है, और ऑयल डाल के फिर इसके अंदर हमने डालना है ये जो हमने काट के रखा हुआ है ओनियन, ये मैंने ओनियन में डाले, और सर मैं ये डाल रहा हूँ गार्लिक, गार्लिक डाल दिया, गार्लिक के साथ ये कच्चा गार्लिक और ओनियन है, ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब ये जो हमारा पके वाला ओनियन है बड़े वाला, इसको भी हम साथ ही इसके डाल देते हैं, ये वाला ओनियन।
इसको अपने थोड़ी सी इसकी बनाई करेंगे, पकाएंगे और ये देखने ये रेसिपी बड़ी क्विक है, जल्दी बन जाएगी और है भी बहुत मज़े की है ना। और इस कुकिंग का साउंड कितना प्यारा प्यारा आ रहा है। और साथ इसके थोड़ी सी हम ये जो है ना जिंजर जो रखी जाऊंगी ये डालते हैं जिंजर, और मैं भी डाल दें इसको। तो अब हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करते हैं, यहाँ पर हम चीज़ थोड़ी सी घी इसके अंदर चाहिए। वैसे तो आप लोग ब्रेकफास्ट में ये पटाखे भी यूज़ करते हैं, एग भी यूज़ करते हैं, कई क्वालिटियों के मैं आपको ये मुख्तलिफ क्वालिटियों में बना कर ये रेसिपी रोज मैं दिखाऊंगा आपको कि ब्रेकफास्ट में आप यही चीज़ें आप मुख्तलिफ एंगल से बनाएंगे तो उसका फिर मुख्तलिफ मज़ा आएगा, फेस भी अच्छा बनेगा आपको, क्योंकि ब्रेकफास्ट का आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको ऐसी रेसिपी को फॉलो करना है तो ये देखना अब इसका कलर चेंज होता जा रहा है, कलर चेंज हो गया। अब हमने क्या अब हमने जो हमारे पास ये जो पोटैटो रखे हुए हैं हमने इनको डालें इसके अंदर, अंदर वो हमने बाद में डालने हैं तो ऊपर मज़ा तभी आता है, ऊपर गार्निश भी ज़रा अच्छी सी हो ताकि देखने में भी प्यारा लगे। अब हमने पोटैटो के अंदर देखा वो पूरा कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पोटैटो। अब हम इसको फ्राई कर लें, मज़े भी तैयारी होती जा रही है ना, मुझे इसका साउंड कितना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह। अब आदमी इसके अंदर डालना है थोड़ा वाटर डाल दिया हमने, थोड़ा सा वाटर डाला यहाँ पर हमने, ये हमने दो अंडे रखे हुए हैं, अंडे इसके अंदर देंगे। इस बोल में इसको डालते हैं ऐसे,
माशाल्लाह क्या लुक है ये, ब्यूटीफुल खकी, सो नाइस, सो खूबसूरत। अब हमने इसकी करनी है गार्निश। यहाँ से हमने इसको ये देखे, ठीक हो गया, इतना प्यारा लग रहा है ऐसे। इसको जिंजर भी निकालूंगा ऐसे, है ना मज़े का ब्रेकफास्ट। तो अभी इसकी गार्निश हमारी और भी रहती है करने वाली, जो यहाँ पे हम इसको ये भी लगाएंगे इसके साथ साथ, ये देखने में भी ये खूबसूरत बने। तो इस तरीके से आप करें तो ये देखें अब इसमें कितनी प्यारी लुक आ गई है। मैं यहाँ पे एक एक स्लाइस ये लगा देता हूँ इनके साथ साथ ही, तो ये देखें, देखा आप कितना प्यारा बन गया मज़े का। और खुशबू देखें माशाल्लाह, इसके अंदर खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, तो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो आप लोग भी ऐसे ब्रेकफास्ट में तैयार करें। अब हमने इसके ऊपर एक और चीज़ कर देनी है। अब हमने यहाँ सेंटर के ऊपर यहाँ पे ये ले आए हैं, और इसी में से हमने यहाँ के ऊपर इसको हमने यहाँ से ऐसे फूल लगा देने हैं, इसको हमने यहाँ से इधर से फ्लावर बना देना है। अब ये देखें क्या खूबसूरत डिश बन गई है, वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, है ना मज़े की खूबसूरत डिश, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।